हाय दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ ही इस बेल आइकन को दबाइए तो मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हाय दोस्तों, आपके अपने टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अंडर 10,000 के जो बेस्ट मोबाइल है, वो मैंने ऐसे 5 मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, तो आज मैं आपको बताऊँगा वो अंडर 10,000 कौन कौन से मोबाइल अच्छे हैं आपके लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मोटो E4। तो इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। इसमें डिस्प्ले जो आता है वो 5 इंच का डिस्प्ले आता है। प्रोसेसर जो है वो 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर है और जो रैम है वो 2 GB रैम है और कैमरा है वो जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP का है और जो रियर कैमरा है वो 8 MP का है और जो बैटरी है उस इसमें वो 2800 mAh की और जो इंटरनल है वो 16 GB इंटरनल है और आप एक्सपांडेबल 128 GB तक एक्सटर्नल कर सकते हैं और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन आता है वो 7.1.1 नुगट आता है। तो इसकी प्राइस है 7,900। और अगला है Redmi 4। और सबसे बेस्ट जो मोबाइल है वो ये मुझे लगा Redmi 4। वो इसकी स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं। इसमें जो डिस्प्ले आता है वो 5 इंच का डिस्प्ले आता है। प्रोसेसर जो है वो 1.4 GHz है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है उसमें और रैम जो है वो 3 GB रैम है और कैमरा जो आता है वो 13 MP रियर कैमरा है और 5 MP फ्रंट कैमरा है इसमें। और बैटरी जो है तो बैटरी 4100 mAh की और इंटरनल है 32 GB इंटरनल है और आप एक्सपांडेबल 128 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं और जो इसमें एंड्रॉयड वर्जन आता है वो 6.0.1 मार्शमेलो आता है। तो इसकी प्राइस है 8,999। तो अगला है ऑनर 6X। तो इसमें जो डिस्प्ले आता है वो 5.5 इंच का डिस्प्ले आता है और जो प्रोसेसर है वो 2.8 GHz का प्रोसेसर है और रैम जो है वो 3 GB रैम है। कैमरा जो रियर कैमरा है इसमें वो 12 MP का है और जो फ्रंट है इसमें वो 2 MP का है और जो बैटरी आती है वो 3340 mAh की आती है और जो इंटरनल है वो 32 GB इंटरनल है और आप एक्सपांड 128 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं और जो इसमें एंड्रॉयड वर्जन आता है वो 6.0.1 मार्शमेलो आता है और इसकी प्राइस जो है वो 9,999। तो अगला है सैमसंग गैलेक्सी J5। इसमें डिस्प्ले जो है वो 5.2 इंच का है, प्रोसेसर जो है वो 1.2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है और जो रैम है वो 2 GB रैम है और कैमरा 13 MP रियर कैमरा है प्लस 5 MP फ्रंट कैमरा है और जो बैटरी है वो 3100 mAh की आती है और जो इंटरनल है वो 60 GB इंटरनल है और आप एक्सपांड 120 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सपांडेबल लगा सकते हैं उसमें। तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 6 मार्शमेलो आता है। तो इसकी प्राइस जो है वो 9,190 आती है। तो अगला है Nokia 3। तो इसमें डिस्प्ले जो आता है वो 5 इंच का डिस्प्ले आता है, प्रोसेसर जो है वो 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर आता है और रैम 2 GB आती है। कैमरा जो रियर कैमरा है वो 8 MP है और जो फ्रंट कैमरा है वो भी 8 MP का है और जो बैटरी है वो 2630 mAh की आती है और इंटरनल जो है वो 60 GB इंटरनल है प्लस 120 GB तक आप एक्सपांड कर सकते हैं और जो एंड्रॉयड वर्जन आता है इसमें वो 7.0 नुगट आता है और जो इसकी प्राइस है वो 8,340 आती है। तो इसमें से सबसे बेस्ट मुझे जो लगे वो Redmi 4 और Nokia 3, वो सबसे बेस्ट है। तो आपको लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, आपको Amazon पे ये सब मिलेंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है,
वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कौन सा लेना है आपको वो। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि अंडर 10,000 ज़्यादातर लोग मोबाइल के लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो मोबाइल है वो अंडर 10,000 लेके हम थोड़ा यूज़ करके साल भर फिर से नया ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और जो और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। उन्हें भी समझना चाहिए कि अंडर 10,000 उनसे बेस्ट मोबाइल आते हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए तो उन्हें भी समझ में आएगा कि कौन सा मोबाइल लेना हो आप उनको, तो वो देख सकते हैं इनमें से कौन सा लेना है। तो ये सबसे बेस्ट है मुझे तो लगते ही, जो मुझे बेस्ट लगे वही आपके लिए मैंने लाए। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।